नमस्कार दोस्तों, अचीवमेंट एजुकेशन पार्क चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आज वीडियो में हम लोग देखेंगे आइस एज हिम युग के बारे में। तो देर न करते हुए आइए अपने हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हम ये जानते हैं कि पृथ्वी की एज जो है, पृथ्वी का आयु जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स है। ठीक है, अब ये 4.5 बिलियन ईयर्स है, तो इस प्रकार के ईयर को 4.5 ईयर्स कैलकुलेट करना बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसको कम करने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सृजन किया है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसमें क्या किया गया है कि बहुत बड़े वर्ग समूह को योन में, एरा में, इपोक में, पीरियड में डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि ईयर्स में 4.5 ईयर्स बहुत बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो जूलॉजिकल टाइम स्केल पर ही हम आइस एज का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं जूलॉजिकल टाइम स्केल में के आधार जो किया गया है उसमें पृथ्वी के जो आइस एज है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, पृथ्वी के जो आइस एज है अब तक उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है, मतलब 5 बार आइस एज अब तक हो चुका है। पहले को बोलते हैं ह्यूरोनियन आइस एज, दूसरे को बोलते हैं क्रायोजेनियन आइस एज, तीसरे को बोलते हैं एंडियन सहारन आइस एज, चौथे को बोलते हैं कारू, पांचवे को बोलते हैं क्वार्टनरी। देखिए, अब इसमें से ह्यूरोनियन आइस एज जो है वो 2.4 बिलियन से लेकर के 2.1 बिलियन के बीच है। और यहाँ मैं बता दूँ आपको, 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन होता है। 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन होता है। अब इसमें ईयर से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन ईयर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से हमको हीरोनियन के बारे में बहुत डिटेल्स नहीं प्राप्त है, क्रायोजेनियन के बारे में बहुत डिटेल्स नहीं प्राप्त है, एंडियन सहारा के बारे में बहुत नहीं प्राप्त है, कारू के बारे में हमें पार्शियली जानकारी प्राप्त है, और क्वार्टनरी के बारे में डिटेल्स हमें प्राप्त है। देखिए, कारू जो आइस एज है उसको हम लोग कार्बोनिफेरस भी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिफेरस आइस एज। और जो क्वार्टनरी आइस एज है उसको हम लोग प्लिस्टोसिन आइस एज भी कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रायः ये शब्द आता है कार्बोनिफेरस आइस एज और प्लिस्टोसिन आइस एज ही, प्लिस्टोसिन आइस एज। ठीक है, अब तो यहाँ तो हम लोग देख ले कि हीरोनियन जो 2.4 से 2.1 बिलियन ईयर्स है, तो क्रायोजेनियन क्या है, 850 से 635 मिलियन ईयर्स एगो था, एमआई मतलब कि मिलियन ईयर्स एगो। एंडियन सहारा जो था 430 मिलियन ईयर्स एगो। कारू जो है वो 260 मिलियन ईयर्स एगो। और क्वार्टनरी जो है 2.6 मिलियन ईयर्स से लेकर के 11,000 पहले, अभी 11,000 जस्ट गुजरा है, उस वहां तक ये था। अब एक चीज बता दें कि ये जो हीरोनियन है, क्रायोजेनियन है, एंडियन सहारन है, कारू है, क्वार्टनरी है, इसके बीच में जो है हमारा वार्म एज रहा है। वार्म एज रहा है, वार्म एज का मतलब कि ग्लोबल, बहुत ग्लोबल वार्मिंग वाला एज नहीं, मतलब वार्म एज रहा है, जलवायु उस समय आर्द्र रही है। इसके बाद यहाँ भी वार्म एज है, यहाँ भी वार्म एज है, यहाँ भी वार्म एज रहा है बीच बीच में। ठीक है, अभी जो हम लोग क्वार्टनरी के बाद अभी जो हम जिसमें अभी है हम लोग कर रहे हैं, ये भी क्या है, वार्म एज है, सॉरी वार्म एज है। ठीक है दोस्तों, अभी प्रेजेंट में क्या है, वार्म एज है। लेकिन ये जो हीरोनियन है, क्रायोजेनियन है, एंडियन है, कारू है, क्वार्टनरी है, इसके अंदर भी जो है, इसके अंदर भी कोल्ड और हॉट का मौसम रहा, कोल्ड एंड वार्म का मौसम रहा है बीच बीच में। इसके अंदर भी कोल्ड और आइस नहीं, कोल्ड और वार्म का फेज रहा है। इसके अंदर भी कोल्ड और वार्म का एज रहा है, इसके अंदर भी रहा है, कारू के अंदर भी रहा और क्वार्टनरी के अंतर्गत भी बीच बीच में कोल्ड और वार्म का पीरियड रहा है, अवधि रहा है। ये कैसे पता चला कि रहा है, चूंकि एक राइटर है, ठीक है, जिनका नाम है जेम्स गिकी, इसको ध्यान रखेंगे, इनका नाम है जेम्स गिकी,
जेम्स गेके, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द ग्रेट आइस एज। द ग्रेट आइस एज इस पर इन्होंने प्रकाश डाला था। तो शुरुआत में तो लोगों का ध्यान इधर नहीं गया, लेकिन बाद में इस पर जब रिसर्च हुआ और ये सब जो रिसर्च जो था पेंक और प्रकरण महोदय ने किया था, उपनर महोदय ने, तो ये बताया कि नहीं जेम्स गिकी ने जो बातें कही है वो सही है। लेकिन वो भी रिसर्च कर पाए थे क्वाटनरी के बारे में ही, क्वाटनरी के बारे में ही रिसर्च कर पाए। तो जो कोल्ड और वार्म का फेज रहा है प्लेस्टोसीन आइस एज या क्वाटनरी आइस एज में, उसको उन्होंने चार भागों में विभाजित किया है। एक उन्होंने कहा है गुंज, दूसरे को उन्होंने कहा है मिंडल, तीसरे को कहा है उन्होंने रेस, और चौथा को उन्होंने कहा है उर्म। इसको आप याद कर सकते हैं इसे से GMRW, ठीक है, गुंज मिंडल रेस उर्म। तो इस प्रकार से रहा, ये पुरातन है और ये नवीन है, ओल्डर से न्यूअर की तरफ है, उर्म न्यू है। अब ये तो था कोल्ड, गुंज मिंडल रेस उर्म, तो ये बीच में जो था ये वार्म एज था। ये बीच में जो हम आए यहाँ पर थी कौन सा था, वार्म है, वार्म है। यहाँ भी बीच में कौन सा एज है, सॉरी पीरियड है, वार्म पीरियड है। यहाँ भी बीच में कौन सा पीरियड है, वार्म पीरियड है। तो ये जो दो कोल्ड के बीच में जो वार्म पीरियड है उसको इंटरग्लेशियल पीरियड कहा गया है। उसको क्या कहा गया है, इंटरग्लेशियल पीरियड। इसको ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि एक जो आइस एज होता है जिसकी की लंबी अवधि होती है, उस आइस एज में भी बीच बीच में गर्मी गर्मी का मौसम रहता है, जिस पर कि प्रकाश जेम्स गिकी ने अपने पुस्तक में डाला था और ये बाद में सिद्ध भी हो गया कि ये बात सही है। ठीक है, तब प्रश्न ये उठता है कि आइस एज होता क्यों है। तो आइस एज होता क्यों है उस पर प्रकाश डाले, उससे पहले मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ कि जो गुंज मिंडल रेस उर्म है ये कोल्ड एज रहा है और बीच में वार्म एज, सॉरी पीरियड, छोटा सा जो थी पीरियड कहते हैं, पीरियड रहा है। तो ये ऐसा क्यों है कि हम उसको पूरे को आइस एज कहते हैं, फिर हम गर्मी का मौसम भी है। देखिए, जब हम जलवायु का निर्धारण करते हैं तो उसे बहुत लंबी अवधि को लिया जाता है। जब हम बहुत लंबी अवधि को लेते हैं तो वहाँ पे जो जलवायु के जो एलिमेंट है, जो जिसको कि हम पांच भागों में विभाजित करते हैं, तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता एवं वर्षा, ये पांच तत्व है। तो पांच तत्वों के आधार पर उनका एक एवरेज निकालते हैं, उसके आधार पर हम बताते हैं कि जलवायु गर्म है या ठंडी है। तो इस सब पैरामीटर पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बीच में देखते हैं कि उस आइस एज में भी बीच बीच में गर्मी का मौसम आता है। ठीक है, ये बातें मैं बताना चाह रहा था। अब हम आते हैं अपने जहाँ पर हम बात छोड़कर गया, मैं गया था कि आइस एज आने का कारण क्या है। तो आइस एज आने का कई कारण है, लेकिन जो सबसे कोर कारण है उस पर हम यहाँ प्रकाश डालेंगे, क्योंकि हमारा इस पर बहुत ज़्यादा व्याख्या करना नहीं है, जो कोर बात है उसको बताना है। जहाँ पे लोग उलझते हैं उसी पे मैं फोकस करना चाहता हूँ। तो अब आइए देखिए, तो आइस एज के तीन कारण हैं। कौन कौन कारण है, पहले को हम लोग बोलते हैं इक्सेंट्रिसिटी, दूसरे को बोलते हैं प्रिसेशन और तीसरे को बोलते हैं ब्लक्विटी। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहले पर कि इक्सेंट्रिसिटी क्या है। देखिए, इक्सेंट्रिसिटी हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, मतलब कि अंडाकार मार्ग पर वो घूमती है। लेकिन जब ये पृथ्वी अंडाकार मार्ग में घूमती है तो जरूरी नहीं है कि ये घूमने के क्रम में सूर्य जो है इस इलिप्टिकल पाथ के हमेशा बीच में ही रहे। बीच में रहता तो सेंटर कहते हैं कि सेंट्रिसिटी है। अगर वो बीच में सूर्य नहीं रहा है तभी तो हम लोग इक्सेंट्रिसिटी शब्द का यूज कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब इलिप्टिकल पाथ पे जब पृथ्वी घूमता है सूर्य के चारों ओर, तो पृथ्वी सूर्य जो है
घूमने के क्रम में उस इलिप्टिकल पाथ के बीच में नहीं रहता है। जैसे अब मैं यहां बता दे रहा हूं, अगर ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है, तो ये इलिप्टिकल पाथ तो हमारा ये हो गया, ठीक है, ये आइडियल पाथ ये हो गया। लेकिन होता क्या है कि जब ये घूमता है तो ये इलिप्टिकल पाथ ऐसे हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ऐसे देखिए है तो इलिप्टिकल पाथ, लेकिन पृथ्वी जो है, सूर्य जो है, इसके केंद्र में नहीं है, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्सेंट्रिसिटी, यही कंडीशन क्या बोलता है, इक्सेंट्रिसिटी कहलाता है। अब देखिए, अब आते ही डायग्राम पर, सूर्य और ये सूर्य हो गया और ये हमारा मून है, सॉरी अर्थ है। तो सूर्य और अर्थ जब एक दूसरे करीब होते हैं तो इसे बोलते हैं प्रिहेलियन, और जो दूर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अपहेलियन, अपहेलियन। तो पहले मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं आइस एज के बारे में, इसीलिए जो कारण बताएंगे वो पृथ्वी के गर्माहट का भी कारण है और ठंडेपन का भी, लेकिन हम लोग ठंडेपन पर बात करेंगे, आइस एज पर हम लोग गर्मी की बात को छोड़ देंगे, क्योंकि जिस कारण से पृथ्वी ठंडा होती है, आइस आइस कंडीशन बनता है, वही ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग अलग टॉपिक हो जाएगा। तो देखिए, तो अब देखिए, अब जब सूर्य और पृथ्वी करीब आती है, यहाँ ये स्थिति जो है, ये स्थिति, तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं प्रहेलियन। अब जब दूर हो जाती है तो स्थिति को हम लोग बोलते हैं अपहेलियन। तो जब दूर होता है पृथ्वी, जब पृथ्वी दूर होती है, तो दूर होने के कारण सूर्य को पृथ्वी को जितनी ऊष्मा प्राप्त होनी चाहिए उसकी तुलना में 7% कम ऊष्मा प्राप्त होती है, 7% कम प्राप्त होती है। लेकिन ये कब स्थिति है, जबकि सूर्य सेंटर में है, ठीक, और अपहेलियन की स्थिति बनी हुई है इधर भी, ठीक है। लेकिन जब इक्सेंट्रिसिटी की स्थिति होगी और अपहेलियन की स्थिति होगी साथ ही साथ, इक्सेंट्रिसिटी की स्थिति हो और अपहेलियन की स्थिति साथ ही साथ हो, तो ऐसी स्थिति में इसको 20% पृथ्वी को 20% कम ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, पृथ्वी ठंडी होने लगेगी, क्योंकि 20% ऊष्मा की प्राप्ति, इंसुलेशन का कम आना, 20% इंसुलेशन का कम आना पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत बड़ी ऊर्जा की मात्रा का कमी होना है, जिसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगती है, ठीक है। अब अपहेलियन परहेलियन में डिटेल में यहाँ बात नहीं बताऊँगा कि जुलाई में होता है कि जनवरी में होता है, कब होता क्या होता है, चूँकि टॉपिक हमारा यहाँ हल्का हो जाएगा, हमको बात करना है अभी आइस एज पर, ठीक है। अपहेलियन परहेलियन हम लोग बात में करेंगे। अब देखिए, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इक्सेंट्रिसिटी अपहेलियन की स्थिति में 20% कम हो जाएगा। तो जब 20% कम होगा तो ये ध्यान रखना होगा, अपहेलियन इक्सेंट्रिसिटी में, अपहेलियन अपहेलियन इक्सेंट्रिसिटी में, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं नेक्स्ट कारण पे, दूसरा कारण बताता है प्रोसेशन के बारे में, देखते हैं प्रोसेशन क्या कहता है। प्रोसेशन को समझने के लिए हमें बचपन में लौटना पड़ेगा, हम लोग बचपन में लट्टू जब खेलते थे तो देखते थे कि जब लट्टू की गति कम हो जाती थी, शुरुआत में तो काफ़ी वो तेज़ी से घूमता था, एक निरंतर पूरा राउंड राउंड घूर्णन करता था, लेकिन जब ही उसकी गति कम होती थी वो डगमाने लगता था, जिसे हम लोग बोलते थे अंग्रेजी में वॉबलिंग, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वॉबलिंग। तो पृथ्वी भी जो है वो क्या करती है कि लट्टू जो लास्ट अवस्था में जिस प्रकार से वॉबलिंग करता है, उसी प्रकार से पृथ्वी भी उसी प्रकार से घूर्णन करती है, उसी प्रकार से क्या करती है, वो रोटेशन करती है, डगमगाते हुए वो रोटेशन करती है, ठीक है। तो वर्तमान समय में इसे देखिए, ये यहाँ पे जैसे कैसे ये, अगर हम लट्टू की बात कर रहे हैं तो लट्टू ऐसे मूवलिंग करेगा, ऐसे ना पूरा ऐसे ऐसे ये मूवलिंग करेगा, और पृथ्वी की बात यहाँ हो रही, तो देखिए पृथ्वी जो है ऐसे ये मूवलिंग कर रही है। तो वर्तमान समय में क्या हुआ है कि ध्रुव के करीब, उत्तरी ध्रुव के करीब में, उत्तर में कौन सा है, नॉर्थ स्टार है। तो नॉर्थ स्टार के ऊपर में जिस वजह से यहाँ पर आइस एज की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दे रहा है, लेकिन जब ही ये वॉबलिंग करते हुए ये ध्रुव, ये जो ध्रुव है घूम करके आ जाता है वेगा स्टार के नीचे, तो होगा क्या, वेगा स्टार के नीचे के आने के कारण कि होगा क्या कि यहाँ पर कॉस्मिक किरणों की
जो कॉस्मिक किरणों का उत्सर्जन काफ़ी बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ा हुआ तो है ही, इस कॉस्मिक किरणों के प्रभाव में ये एरिया आ जाएगा। जब ये कॉस्मिक किरणों के प्रभाव में आ जाएगा तो नीचे का ये जो वायुमंडल है, ठीक है, यहाँ के जो पार्टिकल है वो चार्ज्ड हो जाएंगे। पार्टिकल क्या हो जाएंगे, वो चार्ज्ड हो जाएंगे, मतलब कि आयोनाइज्ड हो जाएंगे। जब ये आयोनाइज्ड हो जाएंगे तो इनमें क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। जब ये कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा तो जो इंसुलेशन आ रहा है सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल में, वो इंसुलेशन नहीं आ पाएगा। और जब इंसुलेशन नहीं आ पाएगा तो धीरे धीरे पृथ्वी क्या होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी। जब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती जाएगी तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि सारा जो यहाँ पृथ्वी का जो जल है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आइस में बदल जाएगा। सारा बदले ना बदले लेकिन मैक्सिमम हिस्सा जो है वो बदल जाएगा, किस में, आइस में। और ये कहाँ बदलेगा, चूँकि ये उत्तरी ध्रुव की बात हुई तो उत्तरी ध्रुव 40 डिग्री 50 डिग्री, मतलब कि 50 डिग्री हुए 40 डिग्री 30 डिग्री अक्षांश तक, या 40 डिग्री अक्षांश तक के उत्तरी या फिर दक्षिण से भी 30-40 अक्षांश तक क्या हो जाएगा, सारा का सारा बर्फ में ढक जाएगा। वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कंडीशन अन्य कारण क्या है उस पर निर्भर करता है। तो ये था प्रिसेशन की स्थिति। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं तीसरे कारण पर। तीसरा कारण हम लोग जो है ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी का मतलब तिर्यकता इसे बोलते हैं। क्या मतलब है, जिसे हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23 डिग्री अक्षांश से 23 डिग्री कोण के साथ झुकी हुई है। क्या हुआ है, 23 डिग्री के साथ ये क्या है, अपने अक्ष के साथ ये झुकी हुई है। जो 23 डिग्री के साथ झुकी हुई है ये वर्तमान में, ये प्रेजेंट में ऐसा है, ठीक है। और ये झुकाव इसका कितना से कितना हो सकता है, ये 21.5 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री से लेकर के 24.5 डिग्री तक ये हो सकता है। अब 21.5 डिग्री अगर इसका झुकाव होता है अक्ष से, इसका मतलब कि बहुत बड़ा एरिया क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा एरिया सूर्या तब से बच जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ, अगर देखिए यहाँ पे कहाँ तक है, ये 24.5 डिग्री यहाँ से ये झुका हुआ है, लेकिन अगर यहीं से झुक जाए तो ये इतना एरिया क्या हो जाएगा, वो किसमें, वो सूर्य तप के प्रभाव से क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा ना। जैसे कि ये सारा एरिया क्या हो रहा है, सूर्य तप के प्रभाव से वंचित हो जा रहा है, यहाँ पे इंसुलेशन की क्रिया नहीं आ पा रही, चूंकि ये इधर की तरफ ये झुका हुआ है, ठीक है। कितना झुका हुआ, 21.5 डिग्री ही झुका हुआ है, मतलब कि 3.5 डिग्री जो क्षेत्र है, डिग्री के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, वो तो सूर्य तप के प्रभाव से बच गया। तो सूर्य तप के प्रभाव से बच गया तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कूलिंग एज शुरू हो जाएगा, कूलिंग शुरू हो जाएगा। और कूलिंग होते होते धीरे धीरे वहाँ पे आइस की स्थिति बन जाएगी, ठीक है। और ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे हिम का प्रसार होने लगेगा, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइस एज। आइस एज क्या है, आइस एज मतलब कि पृथ्वी पर की सतह पर हिम का प्रसार ही आइस एज है। अब ये नहीं है गर्मी के दिन, ठंडी के दिनों में भी जब हिम का ग्लेशियर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो वो आइस एज नहीं हुआ, क्योंकि वो लघु अवधि के लिए है, कुछ महीनों के लिए होता है, लेकिन ये लंबी अवधि तक होता है, ठीक है, लाखों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक होते हैं। इस स्थिति को क्या बोल देते हैं, आइस एज। तो ऑब्लिक्विटी को भी आप हम समझ रहे, समझ गए होंगे, और जहाँ दिक्कत होगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, तो मुझे फ़ायदा मिलेगा और मैं इसका जवाब भी दूंगा कहीं कन्फ्यूजन होगा तो। और आइए हम देखते हैं कि जो तीनों जो स्थिति है इस पर मिलानोविच क्या क्या कहते थे। तो ये जो तीन चीज़ हम लोगों ने देखा है, ये तीन कॉन्सेप्ट को, प्रोसेसन को, ऑब्लिक्विटी को, इक्सेंट्रिसिटी को, इसको मिलानोविच साइकिल कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। इस पर का जो था, इस पर रशियन के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, विद्वान थे मिलानोविच, उन्होंने प्रकाश डाला था। और तीनों को मिला करके, प्रोसेसन को, एक्सेंट्रिसिटी को और ऑब्लिक्विटी को, इस सब को मिला करके हम लोग मिलानोविच साइकिल कहते हैं। तो ये रिसर्च से पता किया था मिलानोविच महोदय ने कि 100,000 वर्ष जो है, जो हम लोग बताया ना कि इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, तो एक्सेंट्रिसिटी अपहेलियन की स्थिति जो है 100,000 वर्ष में एक बार होती है। और ये जो 100,000 वर्ष दिया है, देखिए कहीं कहीं 90,000 वर्ष भी देखने को मिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, 100,000 वर्ष या 90,000 वर्ष इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तक होती है। और ये जो है
क्रुसेशन की स्थिति जो है, जब ये मैंने बोला कि नॉर्थ स्टार के सामने है और ये बेगा स्टार के सामने में जो है, ये कहा जाता है कि 19,000 से 24,000 वर्ष में एक बार इसका जो है ये चेंज होता है। तो अभी यह है, तो अभी बेगा स्टार के आने में, उसके नीचे आने में 19,000 से 24,000 वर्ष का समय लगेगा। और ये जो है ऑब्लिक्विटी या टिल्टिंग जिसे बोलते हैं, ये अभी जो है 23.5 डिग्री अक्ष पे 23.5 डिग्री के साथ झुका हुआ है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि 41,000 वर्ष में पुनः जो है ये 21.5 डिग्री के साथ अक्ष बनाएगा, और इसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा कि फिर हिम का प्रसार शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, एक शब्द है अल्बेडो, क्योंकि उसका आइस एज से बहुत ही करीबी संबंध है। ये तो है कि ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, वैसा कंडीशन बना देते हैं कि आइस एज का प्रसार होने लगता है, लेकिन अल्बेडो की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इन सब में। उसको समझे बिना इस टॉपिक जो है अभी आपको हल्का लगेगा कि अल्बेडो है क्या। जैसे हम ये जानते हैं कि अल्बेडो, बाद में इस डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन अल्बेडो को समझ लीजिए। अल्बेडो का मतलब होता है किसी वस्तु पर जो प्राप्त होती है, अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और इसके द्वारा जो परिवर्तित हो रहा है उसका अनुपात है, ये माने इनकमिंग और आउटगोइंग का अनुपात है। किसी वस्तु पर पड़ने वाले इंसुलेशन का इनकमिंग एवं आउटगोइंग, मतलब कि किसी वस्तु को प्राप्त ऊर्जा एवं उससे विकृत ऊर्जा का ये अनुपात है अल्बेडो, ठीक है। अब ये अल्बेडो जो है, जो आइस का अल्बेडो जो है वो होता है कितना, 90% तक होता है। अगर वो आइस प्रदूषित है तो 70% 65% तक हो सकता है, क्योंकि टूरिस्ट जो इलाके होते हैं वहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रदूषित हो जाता है। लेकिन जो प्योर आइस होते हैं वहाँ पर 90% तक होता है, ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि देखते हैं जब लोग स्केटिंग करते हैं आइस पर, तो वहाँ पर गॉगल्स पहनते हैं, क्योंकि आइस के लिए एक अलग तरह का चश्मा आता है पहनने के लिए स्केटिंग करने के लिए, क्योंकि काफ़ी जो सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका मैक्सिमम अब क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, वापस चला जाता है। तो होता क्या है कि जब मिलानोकोविच साइकिल शुरू होता है, और मिलानोकोविच साइकिल के फलस्वरूप जब कंडीशन बन जाता है और हिम का प्रसार धीरे धीरे शुरू होने लगता है, उसी समय जब सूर्य का इंसुलेशन आता है सतह पर, तो क्या होता है, वह पुनः अल्बेडो जो प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, पुनः वापस वायुमंडल में चला जाता है। इसका मतलब कि जितनी ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए, जितनी ऊष्मा पृथ्वी को प्राप्त होनी चाहिए आइस को रोकने के लिए, वो ऊष्मा प्राप्त नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि आइस का अल्बेडो बहुत अधिक होता है। आइस का अल्बेडो मैंने कहा कि ये 90% तक होता है आइस का अल्बेडो, क्योंकि उस समय तो प्योर आइस रहता है, तो अल्बेडो भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसके फलस्वरूप जो है वो धरातल को गर्म नहीं कर पाती है। जब धरातल नहीं कर पाती है तो आइस भी नहीं पिघल पाते हैं, उनका तेजी से प्रसार होने लगता है। तो ये था दोस्तों आइस एज। अब मैं इसे प्रकाश नहीं डालूंगा कि बीच में जो वार्म होता है, जो जैसे कि दो आइस एज के बीच, जैसे हीरोनियन और क्रायोजेनियन के बीच हो, या क्रायोजेनियन या एंडियन सहारन के बीच हो, जो वार्म कंडीशन हो क्यों बनता है, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा सा बता दूं। चूँकि देखिए वो गर्म इसलिए होता है कि चूँकि मीथेन एक गैस ऐसा है कि जो हमारे वायुमंडल के एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो ये जब हिम जब का प्रसार हो जाता है तो उस हिम के नीचे मीथेन का जमाव हो जाता है। ये क्या कंडीशन है मैं बताऊँगा बाद में। और ये जब धीरे धीरे जब ये मिलानोकोविच साइकिल समाप्त होता है, मतलब गर्मी का समय आता है, तो वहाँ से मीथेन का निकलना शुरू हो जाता है। जब मीथेन निकलना शुरू हो जाता है तो वायुमंडल की गर्माहट शुरू हो जाती है। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा आइस के नीचे आइस के नीचे मीथेन के जमा होने का। अभी अंटार्कटिका के नीचे जो है मीथेन का बहुत बड़ा भंडार है, और वहाँ से मीथेन का टिपिंग भी शुरू हो गया। कई टिपिंग पॉइंट बने हैं अंटार्कटिका में जहाँ से कि मीथेन रिस रहा है, और वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा और बन भी रहा है, ठीक है। तो जिसको कि विश्व के समय एक नई चुनौती शुरू हो गई है। यही कंडीशन पास्ट में भी हुआ है, मतलब कि दो आइस एज के बीच में भी, हीरोनियन और
क्रायोजेनियन या क्रायोजेनियन और एंडियन सहारा के बीच में भी। इस पर कभी नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे या वायुमंडल कैसे गर्म होता है उस पर मैं दोस्तों से प्रकाश डालूंगा। जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और जो आपको लगता है किसी वीडियो बनाना चाहिए उसी वीडियो में बनाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।